माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। नमस्कार। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिवादन। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के करकमलों द्वारा योग्य शिक्षकों को वर्ष 2022 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस वर्ष 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनमें से 24 शिक्षकों की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। जवाहर नवोदय विद्यालय ठियोग शिमला के कंप्यूटर शिक्षक श्री अमित कुमार जी ने छात्रों के लिए कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण को बहुत आकर्षक बना दिया है। इसके लिए उन्होंने ICT का सहारा लिया और मिश्रित शिक्षण पद्धति का इस्तेमाल किया। अलग अलग देश के छात्रों को स्काइप के जरिए परिचित भी कराते हैं। फ्लिप ग्रिड का इस्तेमाल कर छात्रों की आवाज को दमदार बनाने का काम भी श्री अमित कुमार जी ने किया है। श्री अमित कुमार जी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। यह है हरियाणा के सोनीपत का बड़वासली गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां श्रीमती अंजू दहिया ने केमिस्ट्री में बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए कई अनूठे तरीके अपनाए हैं, जैसे म्यूजिकल पीरियोडिक टेबल, QR कोड्स के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना। अंजू दहिया ने अपने स्टूडेंट्स को पर्वतारोहण के लिए ले जाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। श्रीमती अंजू दहिया को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। पुदुचेरी के मुदलियारपेट में स्थित अर्चना सोपराय नायकर हाई स्कूल के बेहद लोकप्रिय शिक्षक हैं श्री डी अरविंद राजा जी। इन्होंने अपने अभिनव शिक्षण प्रणाली से अपने विद्यार्थियों में शिक्षा और पर्यावरण के प्रति रुचि जगाई, जिसकी वजह से आज इस स्कूल ने देश विदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए श्री डी अरविंद राजा को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है पंजाब मनसा गवर्नमेंट मॉडल सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल श्री अरुण कुमार गर्ग। इन्होंने स्कूल में किचन गार्डनिंग, सब्जेक्ट लैब्स और एजुकेशन विलेज जैसे नवीन प्रयास शुरू किए। इन्होंने गणित सीखने को और आनंदमय बनाने के लिए कई नवाचार किए। छात्रों में रचनात्मक सोच के लिए स्कूल के समृद्ध पुस्तकालय की किताबों पर छात्रों से समीक्षा लिखवाते हैं। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री अरुण कुमार गर्ग को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। जिला बांकुरा, प्रदेश पश्चिम बंगाल, और ये है यहाँ के जौलपुर प्राथमिक विद्यालय के सृजनशील प्राइमरी टीचर श्री बुद्धदेव दत्ता। ग्रामीण पृष्ठभूमि के इस विद्यालय में अपने रचनात्मक तरीकों से वो विद्यार्थियों का शिक्षा के प्रति उत्साह बनाए रखते हैं। अपनी कक्षाओं में बच्चों को पीयर टू पीयर लर्निंग व सामूहिक शिक्षा आदि से पढ़ाता हूँ। इनकी कर्तव्य निष्ठा को सराहते हुए इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है राजस्थान के उदयपुर जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पारगिया पाड़ा के शिक्षक श्री दुर्गा राम मुवाल। बाल मजदूरी और बाल तस्करी से बच्चों को छुड़ाकर वो उन्हें स्कूल तक ले आए हैं। शिक्षा से जोड़ने के बाद लड़के और लड़की दोनों को मेंटली और फिजिकल रूप से मैं स्ट्रांग बनाता हूँ। श्री दुर्गा राम को उनके निरंतर प्रयासों और अथक समर्पण के लिए बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। मिली कर्नाटक के तुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट के केंद्रीय विद्यालय की जीव विज्ञान की शिक्षिका जी पोनसनकारी से, जिन्होंने आर्ट इंटीग्रेटेड टीचिंग की एक नई पद्धति को अपनाया है। इन्होंने पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए इसे कला के साथ जोड़ा। इससे छात्रों को कठिन विषयों को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया जा सकता है। जी पोनसनकारी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। मेघालय के ईस्ट गारो हिल्स में एडुश्रे हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका हैं श्रीमती गमची किंग्रे। ये ग्रामीण, दुर्गम और खनन क्षेत्रों के बच्चों को मदद करने के लिए काम कर रही हैं। नवीन शिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की ताकि इन बच्चों को शराब, घरेलू हिंसा और कम उम्र में विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों से बाहर निकाला जा सके। श्रीमती गमची टिमरे को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है।
ये है पंजाब के जिला बरनाला का गवर्नमेंट प्राइमरी स्मार्ट स्कूल बिहला और ये है यहाँ के प्रधान अध्यापक श्री हरप्रीत सिंह। इन्होंने स्कूल को स्वच्छ और आधुनिक बनाने के लिए कई अभिनव कार्य किए, जैसे विशेष शिक्षा गतिविधि पार्क बनाना, भाषाओं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय क्षेत्रों की स्थापना करना, समुदाय की मदद से स्कूल की बुनियादी ढांचे को बेहतर करना। इनकी अदम्य निष्ठा और समर्पण को हम नमन करते हैं। हरप्रीत सिंह को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है शिक्षा के जगत में व्यापक स्तर पर स्थापित लेखक श्री ईश्वर चंद्र नायक, जो उड़ीसा राज्य के कानपुर गांव जिला पुरी में सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक हैं। बच्चों का नेचुरल मानसिक विकास मेरी सबसे प्राथमिकता है। मैं चाहता हूँ कि बच्चों का पढ़ाई बोझ ना बने। आसपास के गाँव में कंप्यूटर द्वारा निःशुल्क शिक्षा उनका समाज को अमूल्य योगदान है। श्री ईश्वर चंद्र नायक को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। केरल के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका जेनस जेकब विद्यार्थियों को किताबों से दोस्ती करवाना सिखाती हैं। पढ़ने में कमजोर बच्चों के लिए कॉमिक्स के जरिए सीखना बड़ा आसान हो जाता है। हमें छात्र को बाहरी दुनिया में ले जाना होगा। छात्र को इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए कि वो जीवन के अनुभव से जुड़ सके। जेनस जेकब को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। जिला मुलुगु, राज्य तेलंगाना और ये है यहाँ के जिला परिषद हाई स्कूल के शिक्षक श्री कंदाला रामैया। इन्होंने अपने स्कूल में इनोवेटिव मैथमेटिक्स लैब और डिजिटल लर्निंग हब भी विकसित किया है। सभी छात्र इसका उपयोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। हमारे छात्र विभिन्न आकार के ग्राफ शीट के माध्यम से फॉर्मूला विकसित कर रहे हैं। श्री कंदाला रामैया को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। स्कूल लीडरशिप स्किल्स का एक बेहतरीन उदाहरण है श्री कौस्तुभ चंद्र जोशी, जो राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापपुर नैनीताल उत्तराखंड के प्रधानाचार्य हैं। इन्होंने स्कूल में वर्चुअल लैब का निर्माण करवाया। ICT आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक वेबसाइट भी डेवलप की। बच्चों के अध्ययन की सुविधा के लिए मेरे मन में ये विचार आया और मैंने डिजिटल लाइब्रेरी का काम प्रारंभ किया। शिक्षा में उनके योगदान के लिए बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। मुंबई महाराष्ट्र का छत्रभुज नरसी मेमोरियल स्कूल, यहाँ की प्रधानाचार्य श्रीमती कविता सांघवी रचनात्मक सोच को विकसित करने, नई शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में योगदान दे रही हैं। मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही स्टीम बेस्ड करिकुलम का निर्माण किया। कविता सांघवी एक आदर्श स्कूल प्रशासक है। श्रीमती कविता सांघवी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कंपोजिट स्कूल सहवा के शिक्षक श्री खुर्शीद अहमद। सीमित संसाधनों से आपने पुनर्नवीनीकरण योग्य सामग्री के साथ हृदय और मानव संचार प्रणाली आदि के मॉडल बनाए हैं और छात्रों से प्रयोग कराए हैं। मैंने अपने शिक्षण तकनीक को इतना सरल, सहज और सुगम बनाया जिससे बच्चियों को साइंस बहुत आसान लगने लगा। श्री खुर्शीद को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है माला जिग्दल दोरजी, प्रिंसिपल मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल गैंगटॉक सिक्किम। शिक्षा के उच्चतम मानकों को छूने के संकल्प के साथ उन्होंने धन जुटाकर 2 कमरों का निर्माण करवाया, साथ ही टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए मॉडर्न तकनीकों पर जोर दिया, रचनात्मक शिक्षण रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। उनके इन्हीं प्रयासों को सराहते हुए उन्हें बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है ममता आहार, छत्तीसगढ़ के पंडित सखाराम दुबे शासकीय प्राथमिक शाला की एक सहायक शिक्षिका, जिन्होंने विद्यालय में शिक्षा का एक दिलचस्प माहौल बनाया है। यहाँ बच्चे नाचते गाते अपना पाठ याद करते हैं। ममता ने घर घर जाकर अभिभावकों की काउंसलिंग की और उन्हें शिक्षित होने का महत्व समझाया। ममता आहार को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। गोवा जिला मोर पिरला के गवर्नमेंट हाई स्कूल की प्रिंसिपल हैं श्रीमती मारिया मुरेना मिरांडा। ग्रामीण आदिवासी स्कूल के बुनियादी ढांचे को बेहतर और बच्चों के अनुकूल बनाया।
इन्होंने आदिवासी बच्चों के घर का दौरा किया, रिमेडियल क्लासेस ली। श्रीमती मारिया मुरेना मिरांडा को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। असम जिला सोनितपुर के CNS हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल हैं श्रीमती मीनाक्षी गोस्वामी। इन्होंने छात्रों और शिक्षकों दोनों की जरूरतों को समझा और नेतृत्व प्रदान करने वाले शिक्षकों के साथ पाठ्यक्रम का विकास का मार्गदर्शन करने में मदद की। भाषा के क्षेत्र में किए गए इनके कार्य सराहनीय हैं। श्रीमती मीनाक्षी गोस्वामी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। नागालैंड के कोहिमा जिले में ऑफिसर्स हिल्स का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, ये स्कूल जाना जाता है हेड टीचर मिमी योशी की वजह से। अब बच्चे स्कूल के किचन गार्डन में अपना खाना खुद उगाते हैं। ईंटों की जगह बॉटल्स का इस्तेमाल करके स्कूल की दीवार बनाई गई। जॉयफुल लर्निंग के प्रयासों में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। श्रीमती मिमी योशी को उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। लद्दाख की जिला कारगिल के करत गांव में स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, जहां इनके इंग्लिश और एनवायरमेंटल स्टडीज के अध्यापक श्री मोहम्मद जाबिर बच्चों को इंग्लिश फोनेटिक्स, ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाने के लिए लद्दाखी गानों की ट्यून और क्लैपिंग वाइल लर्निंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही लैंग्वेज गेम्स, कहानियों और आकर्षक स्लोगन्स के माध्यम से भी पढ़ाते हैं। श्री मोहम्मद जाबिर को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है सालेगढ़, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। यहाँ के शिक्षक नीरज सक्सेना के जुनून की बदौलत भील आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि हुई है। बुनियादी आवश्यकताओं में सुधार कर उन्होंने एक आदर्श स्कूल स्थापित किया है। आदिवासी इलाके में शिक्षा के स्वरूप को बदलने के लिए श्री नीरज सक्सेना को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है बिहार पटना के महादेव हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका श्रीमती निशी कुमारी, जिन्होंने कुछ संगठनों के सहयोग से बाल अधिकारों, दहेज, माहवार संबंधी स्वच्छता, प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने जैसे कई विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम किए हैं। साथ ही ये एक राज्य स्तरीय करियर काउंसलर के रूप में भी सक्रिय है। सुश्री निशी कुमारी के इन्हीं प्रयत्नों को सराहते हुए इन्हें बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री प्रदीप नेगी राजकीय इंटर कॉलेज भेल, हरिद्वार, उत्तराखंड में लेक्चरर हैं। इन्होंने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को संगठित किया, वंचित बच्चों के माता पिता को प्रेरित किया कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। इन्होंने इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ावा दिया। इनके द्वारा वेबसाइट पर डाले गए लेक्चर से अनगिनत छात्र लाभ उठा रहे हैं। उनके इस योगदान के लिए श्री प्रदीप नेगी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से हम विनम्र अनुरोध करते हैं, कृपया वर्ष 2022 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करने हेतु मंच के आगे आएं। श्री अमित कुमार, नवोदय विद्यालय समिति। सुश्री अंजू दहिया, हरियाणा। श्री अरविंद राजा डी, पुदुचेरी। श्री अरुण कुमार गर्ग, पंजाब। श्री बुद्ध देव दत्ता, पश्चिम बंगाल।
श्री दुर्गा राम मोवाल राजस्थान। श्रीमती जी पौन शंकरी केंद्रीय विद्यालय संगठन। श्रीमती गमची टिमरे आर मराक मेघालय। श्री हरप्रीत सिंह पंजाब। श्री ईश्वर चंद्र नायक ओडिशा। श्रीमती जेनस जैकब केंद्रीय विद्यालय संगठन। श्री कंदाला रामैया तेलंगाना। श्री कौस्तुभ चंद्र जोशी उत्तराखंड। श्रीमती कविता संघवी काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। श्री खुर्शीद अहमद उत्तर प्रदेश। श्रीमती माला जिगदल दोरजी सिक्किम। सुश्री ममता आहार छत्तीसगढ़। श्रीमती मारिया मुरेना मिरांडा गोवा। श्रीमती मीनाक्षी गोस्वामी असम। श्रीमती मिमी योशी नागालैंड। श्री मोहम्मद जाबिर लद्दाख। श्री नीरज सक्सेना मध्य प्रदेश। श्रीमती निशी कुमारी बिहार। श्री प्रदीप नेगी उत्तराखंड। माननीय राष्ट्रपति जी का पुरस्कार वितरण हेतु हम आभार व्यक्त करते हैं। और अब अन्य 21 पुरस्कार विजेता शिक्षकों की उपलब्धियों
और सराहनीय प्रयासों पर आधारित एक लघु फिल्म आपके समक्ष प्रस्तुत है। में इम्फाल का ईस्टर्न आइडल हाई स्कूल और यहाँ के प्राइमरी टीचर हैं श्री नॉन माइथेम गौतम सिंह। अपनी रचनात्मक और जॉयफुल लर्निंग तकनीक के साथ इन्होंने बच्चों के लिए पढ़ाई को खेल बना दिया है। ब्लैक बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड और कलरफुल क्लासरूम अब स्कूल की पहचान बन गए हैं। बैम्बू मैट की मदद से बुलेटिन बोर्ड बनाए, टीचर्स की एक वॉलंटियर टीम बनाई। श्री नॉन माइथेम गौतम सिंह को उनके प्रयासों के लिए बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है शिक्षक ओम प्रकाश पाटीदार, जो कि मध्य प्रदेश के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय शाजापुर में विज्ञान के लेक्चरर नियुक्त हैं। विज्ञान को तकनीक से जोड़कर इन्होंने ICT का प्रयोग करते हुए विज्ञान जैसे कठिन विषय को विद्यार्थियों के लिए बेहद सरल बना दिया है। उन्होंने शाजापुर के लिए लोक जैव विविधता पंजी तैयार करवाई है। शिक्षक ओम प्रकाश पाटीदार जी के अनोखे सहयोग के कारण उन्हें राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है दिल्ली के प्रशांत विहार का निगम प्रतिभा विद्यालय और ये है यहाँ की समर्पित टीचर श्रीमती रजनी शर्मा। इन्हें इनोवेशन इन एजुकेशन के लिए जाना जाता है। इन्होंने वर्चुअल क्लासेस के लिए दिलचस्प स्टडी मटेरियल डेवलप किया और बाल गीत से पढ़ाने की कला ने बच्चों का रुझान पढ़ाई में बढ़ाया और पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाया। श्रीमती रजनी दूसरे टीचर्स के लिए मेंटर की भूमिका भी निभाती हैं। इन्हें बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री के रामचंद्रन कीलम्बल पंचायत संघ प्राथमिक विद्यालय रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के प्राथमिक शिक्षक हैं। लॉकडाउन के दौरान सेल्फ लर्निंग टास्क के लिए छात्रों को इन्होंने मोबाइल उपलब्ध कराए, ICT हाईटेक लैब और कंप्यूटर जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। यहां तमिल भाषा की प्राचीन रचना तिरुक्कुरल से अवगत कराया जाता है। श्री के रामचंद्रन को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के कन्नूर में ASNRA जिला परिषद हाई स्कूल में भौतिक विज्ञान की शिक्षिका श्रीमती रवि अरुणा इमर्स लर्निंग तकनीक का समावेश करके एक्सपेरिमेंट्स करने के साथ विज्ञान के प्रति उनकी रुचि को बढ़ाया है। कम लागत वाले DLM का इस्तेमाल और इनोवेटिव ग्रुप क्लिनिकल सुपरविजन मॉडल जैसे कार्य इन्हें विशिष्ट बना रहे हैं। श्रीमती रवि अरुणा को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है जिला दक्षिण त्रिपुरा के साउथ मिर्जापुर हाई स्कूल में विज्ञान के अध्यापक श्री संतोष नाथ। विभिन्न रंगीन रोशनी में प्रकाश संश्लेषण के दर की गणना करने के प्रयोग, DNA की संरचना, ज्योमेट्रिकल शेप्स की व्याख्या करने के लिए इन्होंने कई मॉडल तैयार किए हैं। इनकी प्रभावी शिक्षण शैली ने उन्हें समुदाय के लिए मैन फ्राइडे बना दिया है। श्री संतोष नाथ को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है बिहार सुपौल के ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल के शिक्षक श्री सौरभ सुमन, जिन्होंने विज्ञान और गणित के लिए ई सामग्री विकसित की है। साथ ही छात्रों को अन्य गतिविधियों में सक्षम बनाने के लिए कोडिंग और रोबोटिक्स को भी महत्व दिया है। इनके चित्रों और रचनात्मकता ने छात्रों और समुदाय के बीच जागरूकता लाने में मदद की है। श्री सौरभ सुमन के इन्हीं प्रयत्नों को सराहते हुए इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ के धनास गांव में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती सीमा रानी का विद्यालय परिसर उनके शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, लगाव व समर्पण का अनोखा उदाहरण है। जीवन जीना कैसे है, इसका प्रशिक्षण आज यहाँ शिक्षा का अहम अंग है। पुस्तक ज्ञान व जीवन मूल्यों के साथ साथ यहाँ विद्यार्थी लिक्विड साबुन बनाना, टेबल मैनर्स आदि सब सीखते हैं। श्रीमती सीमा रानी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के बीड जिले का गांव दामुनाइक टंडा संगीत तथा ऑडियो विजुअल शिक्षा सामग्री के उपयोग द्वारा शशिकांत कुलथे ने बच्चों में पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी जगाकर अपने स्कूल में जीरो ड्रॉप आउट को संभव किया है। बच्चों के लिए रहने खाने की व्यवस्था कर प्रवासी परिवार के बच्चों की स्कूली शिक्षा को सुनिश्चित किया है। श्री शशिकांत कुलथे को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। यह है झारखंड पूर्वी सिंहभूम के टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल की शिक्षिका श्रीमती शिप्रा।
जिन्होंने स्कूल का काया पलट कर उसे बेहतर और निपुण स्कूल बनाने के लिए मार्गदर्शन किया है। इसी के साथ समाज और पर्यावरण के हित के लिए नई तकनीकों और प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित किया है। शिक्षिका श्रीमती शिप्रा के प्रयत्नों को सराहते हुए इन्हें बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है सिद्धार्थ योंजन, जो सिक्किम राज्य के गैंगयाप में स्थित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के प्रिंसिपल हैं। इन बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपने प्रयासों से स्कूल के बुनियादी ढांचे का निर्माण करवाया और इन होनहार बच्चों में नई ऊर्जा भरी बास्केटबॉल और म्यूजिक के सहारे। विभिन्न विषयों को रुचिकर बनाने के लिए कई क्रिएटिव तरीकों को अपनाया है। उनके इन प्रयासों को सराहते हुए बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है महाराष्ट्र के बीड जिले के परगांव जुगेश्वरी गांव का जिला परिषद क्लस्टर प्राइमरी स्कूल श्री सोमनाथ वाल के। साहित्य हो, संगीत हो या विज्ञान, ये बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाते हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग जिले से शिक्षक और बाकी लोग हमारे स्कूल देखने के लिए आते हैं। श्री सोमनाथ वामन वालके को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ये है राजस्थान के बीकानेर जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बधर की विज्ञान शिक्षिका श्रीमती सुनीता। आपने अभिनव उपायों, वैज्ञानिक पद्धतियों और तकनीक के संयोजन से अनूठी विज्ञान प्रयोगशाला उपलब्ध कराई है। मेरे विद्यालय के मेरे बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा को निखारना मेरा एकमात्र उद्देश्य है। श्रीमती सुनीता को अनूठे प्रयोगों, प्रयासों और कार्यों के लिए बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। जिला मेडचल मलकाजगिरी, प्रदेश तेलंगाना, और ये है यहाँ की डीपीएस की प्रिंसिपल श्रीमती सुनीता राव। डीपीएस में उन्होंने टॉय लैब की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्टडीज इतना अच्छे हो रहा है कि बच्चे खूब सीख रहे हैं। ईच वन टीच वन के प्रयासों द्वारा ये अपने स्कूल के कर्मचारियों की मदद करती हैं। श्रीमती सुनीता राव को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। जिला महबूब नगर, राज्य तेलंगाना, और ये है यहाँ के जिला परिषद हाई स्कूल के शिक्षक श्री टी एन श्रीधर। इन्होंने शिक्षा और शिक्षण कार्यों में विद्यावारिधि और अपना वेतन दान करके कलाम ड्रीम फोर्स एकेडमी की स्थापना करने जैसे इनोवेटिव तरीके अपनाए। मेरी छात्रा का चयन जापान में होने वाले साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम साकुरा के लिए भी हुआ। श्री टी एन श्रीधर को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है गुजरात, जिला राजकोट, सेंट मेरी स्कूल के अध्यापक श्री उमेश भरत भाईवाला। इनकी पढ़ाने की रोचक शैली का ही परिणाम है कि पिछले 3 वर्षों से इनके विद्यालय में बोर्ड का परिणाम 95 से 100% आया है। ये ग्रामीण बच्चों के लिए नियमित शिविर आयोजित करते हैं। शिक्षा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और टेक्स्ट बुक का डिजिटलीकरण करने में इनका योगदान सराहनीय है। श्री उमेश भरत भाईवाला को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। चित्रदुर्ग कर्नाटक के गवर्नमेंट लोअर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक श्री टीपी उमेश 12 साल पहले आदिवासियों के घर घर गए और उनके बच्चों को कर्नाटक के गवर्नमेंट लोअर प्राइमरी स्कूल अमृतपुरा में दाखिला दिया। उन्होंने स्कूल में आधुनिक कक्षाएं बनाई, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और कंप्यूटर शिक्षा का भी प्रबंध किया। उमेश सर का सपना साकार हो रहा है। श्री टीपी उमेश को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। BCM स्कूल लुधियाना की प्रिंसिपल श्रीमती वंदना शाही छात्रों में छिपी काबिलियत को बढ़ावा देने में विश्वास रखती हैं। इन्होंने विभिन्न लैब जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराकर छात्रों की रुचि और लीडरशिप क्वालिटीज को विकसित किया। तेजी से बदल रही इस दुनिया में नॉलेज के साथ साथ फ्यूचर स्किल्स का होना बहुत जरूरी। सरकार ने इनके असाधारण प्रयासों को सराहा। वंदना शाही को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। GSS हरोग्रा स्कूल, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश के श्री वीरेंद्र कुमार ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हैं, स्टेट रिसोर्स ग्रुप हिमाचल के सदस्य हैं और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत करीब 20,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। छात्रों की लिखावट बेहतर हो, इसके लिए उन्होंने सुलेख का रास्ता अपनाया। शिक्षक में अलग तरह के योगदान के लिए श्री वीरेंद्र कुमार जी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है।
जीपीएस अनोगा डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश के जेबीटी इंचार्ज श्री युद्धवीर जी स्कूल में हिंदी अंग्रेजी गणित बड़ी आसानी से पढ़ाते हैं। वेब पोर्टल हर घर पाठशाला से संबंधित आईसीटी कोऑर्डिनेटर ऑफ स्कूल और हिमाचल प्रदेश में एनईपी 2020 को कार्यान्वित करने के लिए बनाए गए फोकस ग्रुप के सदस्य के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री युद्धवीर जी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। अंडमान निकोबार के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बम्बू फ्लैट के शिक्षक श्री रंजन कुमार विश्वास द्वारा दिव्यांग बच्चों को किए गए उनके नवाचारों ने उन्हें विशेष पहचान दिलाई है। उन्होंने बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देने का कार्य शुरू किया ताकि बच्चों में जल्दी और बेहतर सुधार आ सके और वो अपने इस काम में सफल साबित हुए। श्री रंजन कुमार विश्वास को उनके सराहनीय कार्य के लिए बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। माननीय राष्ट्रपति जी से हम पुनः अनुरोध करते हैं कि कृपया वर्ष 2022 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करने हेतु मंच के आगे आएं। श्री नोंग माइथम गौतम सिंह मणिपुर, श्री ओम प्रकाश पाटीदार मध्य प्रदेश, श्रीमती रजनी शर्मा दिल्ली, श्री रामचंद्रन के तमिलनाडु, श्रीमती रावी अरुणा आंध्र प्रदेश, श्री संतोष नाथ त्रिपुरा, श्री सौरभ सुमन बिहार, श्रीमती सीमा रानी चंडीगढ़, श्री शशिकांत संभाजीराव कुलथे महाराष्ट्र, श्रीमती क्षिप्रा झारखंड, श्री सिद्धार्थ योंजोन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, श्री सोमनाथ वामन वालके महाराष्ट्र, श्रीमती सुनीता राजस्थान, श्रीमती सुनीता एस राव केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, श्री टी एन श्रीधर तेलंगाना, श्री उमेश भरत भाई वाला गुजरात, श्री उमेश टीपी कर्नाटक,
श्रीमती वंदना शाही, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, श्री वीरेंद्र कुमार, हिमाचल प्रदेश, श्री युद्धवीर, हिमाचल प्रदेश, श्री रंजन कुमार बिस्वास, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, माननीय राष्ट्रपति जी का पुरस्कार वितरण हेतु हम आभार व्यक्त करते हैं और उनसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आज के इस अवसर पर सभी को अपने आशीर्वचन प्रदान करें। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर सुभाष सरकार एवं डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकगण, देवियों, स्वजनों, सबसे पहले मैं सभी देशवासियों की ओर से अपने देश के शिक्षक समुदाय को नमन करती हूँ। आज पुरस्कार पाने वाले सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। ये देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि आज पुरस्कृत 45 शिक्षकगण भारत के कोने कोने से आए हैं। उनमें एक दिव्यांग शिक्षक तथा 18 महिला शिक्षकों को पुरस्कृत करके मुझे विशेष प्रसन्नता हुई है। इस समारोह के प्रभावी आयोजन तथा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे अनेक प्रयासों के लिए मैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी तथा शिक्षा मंत्रालय की पूरी टीम को प्रशंसा करती हूँ। प्रिय शिक्षकगण, शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं अपने उन शिक्षकों का सादर स्मरण करती हूँ जिन्होंने मुझे न सिर्फ पढ़ाया बल्कि प्यार भी दिया और संघर्ष करने की प्रेरणा भी दी। अपने परिवार व शिक्षकों के मार्गदर्शन के बल पर मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी बनी। अपनी जीवन यात्रा में मैं जहां तक पहुंच सकी हूं उसके लिए अपने उन शिक्षकों के प्रति मैं सदैव कृतज्ञता का अनुभव करती हूं। हमारी संस्कृति में शिक्षक पूजनीय माने जाते हैं। मैं भी ये मानती हूं कि एक निष्ठावान शिक्षकों को अपने जीवन में जिस तरह की सार्थकता का अनुभव होता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। शायद इसलिए जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण के प्रशंसकों ने उनका जन्मदिन मनाने का प्रस्ताव रखा तो उस विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक, लेखक एवं स्टेट्समैन ने ये इच्छा जाहिर की कि उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। ये शिक्षक भी रह चुके थे और अपने शिक्षक रूप को ही उन्होंने सबसे अधिक महत्व देना चाहा। भारत के एक अन्य महान पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से एक समारोह में पूछा गया कि वो एक वैज्ञानिक के रूप में याद किया जाएंगे अथवा एक राष्ट्रपति के रूप में। कलाम साहब ने जवाब दिया कि वे चाहेंगे कि उन्हें एक टीचर के रूप में याद किया जाए। मैं भी अपने जीवन के उस पक्ष को सबसे अधिक महत्व देती हूँ
जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। मुझे रायरंगपुर में श्री अरविंदो इंटीग्रल स्कूल में शिक्षक के रूप में योगदान देने का अवसर मिला था। मैंने ओडिशा के पहाड़पुर में एक रेसिडेंशियल स्कूल की स्थापना की है, जहां गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा दी जाती है। वंचित वर्गों को के बच्चे तथा दिव्यांग बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा सुलभ हो सके, ये विशेष प्राथमिकता सबको होनी चाहिए। प्रिय शिक्षकगण, जब मैं झारखंड की राज्यपाल थी, तब राज्यपाल होने के नाते मैं राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की चांसलर भी थी, लेकिन मैंने स्कूल स्तर की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मैं मानती हूँ कि यदि स्कूल स्तर की शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो उच्च शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं झारखंड के स्कूलों में जाती रही। मैं राज्य के अधिकांश कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में गई। मैं दिव्यांग विद्यार्थियों के स्कूलों में भी गई। मेरे जाने से ऐसे स्कूलों में सुविधाएं बढ़ी, उन स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों का उत्साह भी बढ़ा। प्रिय शिक्षकगण, आज की नॉलेज इकोनॉमिक में विज्ञान, अनुसंधान और इनोवेशन विकास के आधार हैं। इन क्षेत्रों में भारत की स्थिति को और मजबूत बनाने की आधारशिला स्कूली शिक्षा द्वारा ही निर्मित होगी। मैं मानती हूँ कि विज्ञान, साहित्य अथवा सामाजिक शास्त्रों में मौलिक प्रतिभा का विकास मातृभाषा के द्वारा अधिक प्रभावी हो सकता है। हमारी माताएं ही हमारी जीवन के आरंभ में हमें जीने की कला सिखाती है। इसीलिए नेचुरल टैलेंट को विकसित करने की मातृभाषा सहायक होती है। माता के बाद शिक्षकगण हमारे जीवन में हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। यदि शिक्षक भी मातृभाषा में पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों सहजता के साथ अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर जोर दिया गया है। विज्ञान और अनुसंधान के प्रति रुचि पैदा करना शिक्षकों की जिम्मेदारी है। मैं एक बार फिर कलाम साहब का उल्लेख करना चाहूँगी। विज्ञान के प्रति उनका रुझान स्कूल में ही मजबूत हो चुका था। उन्होंने कहा है कि उनके एक अध्यापक क्लास के सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए और उड़ती हुई चिड़ियों को दिखाकर एरोडायनामिक्स के बारे में रोचक और सरल तरीके से समझाया है। डॉक्टर कलाम लिखते हैं कि उन्होंने स्कूल में ही ये फैसला किया है कि वो बड़े होकर रॉकेट साइंटिस्ट बनेंगे और ये बात गौर करने लायक है कि टीचर ने पहले क्लासरूम में ब्लैकबोर्ड पर चिड़ियों की उड़ान के विषय में समझाया था। टीचर के पूछने पर सभी बच्चों ने कहा कि वह समझ गए थे। केवल कलाम साहब ने कहा कि वह नहीं समझे थे। अंत में ये स्पष्ट हुआ कि असल में कोई भी बच्चा विषय को नहीं समझ गया था। इसलिए जो विद्यार्थी साफ साफ कहते हैं कि वह नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें कमजोर विद्यार्थी नहीं समझना चाहिए। कलाम साहब के निष्ठावान अध्यापक ने नए सिरे से पूरी विषय को क्लास के बाहर ले जाकर सिखाया था। कलाम साहब अपने वक्तव्यों और उल्लेखों में उन अध्यापकों का सादर उल्लेख किया करते थे। अच्छे शिक्षक प्रकृति के मौजूद जीवंत उदाहरण की सहायता से जटिल सिद्धांतों का आसान बनाकर समझा सकते हैं। टीचर्स के बारे में एक लोकप्रिय कथन है, द मेडिकल टीचर टेल्स, गुड टीचर एक्सप्लेन्स, द सुपीरियर टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स, द ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। अर्थात सामान्य शिक्षक जानकारी देते हैं, अच्छे शिक्षक समझाते हैं, श्रेष्ठ शिक्षक करके दिखाते हैं, महान शिक्षक प्रेरणा देते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि एक आदर्श शिक्षक में चारों बातें होती है।
ऐसे आदर्श शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के रचना करके सही अर्थ में राष्ट्र निर्माण करते हैं। प्रिय शिक्षकगण, हमारे देश में जो वाद विवाद संवाद की संस्कृति को महत्व दिया जाता था, तो हमारे देश में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, ब्राह्मी मेहर, भास्कराचार्य, चरक और सुश्रुत जैसे गणितज्ञ, वैज्ञानिक और चिकित्सक सामने आए। आधुनिक विश्व के वैज्ञानिक भी उनके ऋणी हैं। आप सभी शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने की तथा शंका व्यक्त करने की आदत को प्रोत्साहित करें। अधिक से अधिक प्रश्नों को उत्तर देने तथा शंकाओं का समाधान करने से आप सबके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। एक अच्छा शिक्षक सदैव नई शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वयं भी उत्साहित रहता है। प्रिय शिक्षकगण, केंद्रीय शिक्षा प्रणाली मंत्रालय ने एक अच्छा ध्येय व्यक्त किया है, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। प्राइमरी स्कूल के स्तर पर लगभग पूरे देश में सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध है। भारत के स्कूली शिक्षा व्यवस्था विश्व के सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में शामिल है। 15 लाख से अधिक स्कूलों में लगभग 97 लाख शिक्षकों द्वारा 26 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। लेकिन स्कूल स्तर पर असली चुनौती अच्छी शिक्षा प्रदान करने की है। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अनेक विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने की में कठिनाई होती है। इसलिए हमारी शिक्षा नीति में वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी विद्यार्थियों को मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान प्राप्त कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस राष्ट्रीय प्रयास से देश के सभी शिक्षकों की मुख्य भूमिका होगी। शिक्षक ही हमारी शिक्षा प्रणाली की प्राण शक्ति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत से जोड़ते हुए विद्यार्थियों को आधुनिक विश्व की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाना होगा। हमारी शिक्षा नीति में समाहित यह सोच महर्षि और बिंदु के शिक्षा संबंधी विचारों के अनुरूप है। श्री और बिंदु के विचारों से प्रेरित शिक्षण संस्थानों द्वारा गहरे मानवीय मूल्यों तथा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का समन्वय करके होलिस्टिक लर्निंग का प्रसार किया जाता है। भारतीय चिंतन के अनुसार उन संस्थानों में विद्यार्थियों की शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक आधारशिला का निर्माण किया जाता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य भी यही है। मैं एक बार फिर देश के सभी शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करती हूँ, आज के पुरस्कार विजेताओं को बधाई देती हूँ तथा ये मंगल कामना करती हूँ कि हमारे शिक्षकगण अपने योगदान से शिक्षित भारत, विकसित भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिक्षकों ने प्रेम दिया और साथ ही संघर्ष करने की प्रेरणा दी। बहुत सुंदर शब्दों में अपनी बात व्यक्त की माननीय राष्ट्रपति जी ने। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। और अब आप सभी कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं।
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के अवसर पर देश के प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 46 शिक्षकों को आज पुरस्कृत किया। उम्मीद है कि ये शिक्षक समाज में यूं ही ज्ञान की रोशनी फैलाते रहेंगे और